हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करेंगे, पर इन पराठों को हम कच्चे आलू से बनाएंगे। इनके लिए ना तो आपको आलू उबालने की ज़रूरत है और ना इनके लिए कोई स्टफिंग ही आपको तैयार करनी है, ना आलूओं को भरने की टेंशन, ना उनके फटने का डर। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इन पराठों को बनाकर तैयार करेंगे। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स, फटाफट से सिर्फ 5 मिनट में ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 2 कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें छीलकर हमने पानी में रख दिया है जिससे ये काले ना पड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को हम ग्रेट करेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनके हमें बहुत बारीक लच्छे चाहिए। जिससे अदरक ग्रेट की जाती है उसी से हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बारीक इसके लच्छे हुए हैं। तो दोनों आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। पहले से आप इन्हें ग्रेट करके मत रखिएगा, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो इसी में 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी ग्रेट करके हम डाल देते हैं। आज इन पराठों को हम बिना प्याज और लहसुन के बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो बारीक चॉप करके आप यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हैं। तो अब डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। तो 1 कप हमने गेहूं का आटा डाल दिया है। पहले अच्छे से ही इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच से ही पहले हम इसको मिक्स करेंगे, बाद में इसका हम डो तैयार करेंगे। आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में गेहूं का आटा हम इसमें और डालेंगे। तो ये देखिए आलू और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 ही चम्मच यहाँ पर हमने कुटी हुई सौंफ डाल दी है, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, बहुत बढ़िया इससे फ्लेवर आएगा, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन ली है, इसे हाथों से रगड़कर इसको भी डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक। तो 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपको डो गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा और डाल लीजिएगा और इसका एक थोड़ा सा सख्त डो हम तैयार करेंगे। तो डो हमारा तैयार है और इसमें 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा हमने और डाला था। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और वापस से अच्छे से इसको मसल कर गूँथ लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया। इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए, चलिए अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसकी एक लोई लेंगे। तो जितनी बड़ी रोटी की लोई लेते हैं उतनी ही बड़ी हम इसकी लोई लेंगे। तो ये देखिए लोई तैयार है। इस पर थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा दिया है और इसको अब हम बेल लेंगे। तो आज इसके हम तिकोन पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले इसको हमने बेल लिया है और अब इस पर लगाएंगे हम घी जिससे पराठे में लेयर्स बनेंगी। तो पूरे पराठे पर अच्छे से हम घी लगा देते हैं। हम पराठों को घी से बना रहे हैं, आप तेल या मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। तो पराठे को हम फोल्ड कर देंगे और वापस से एक बार पराठे पर घी लगा देंगे। इस तरह से पराठे बनाने से बहुत सारी लेयर्स आएंगी और पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए तिकोन लोई बनकर तैयार हो गई। अब इस पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और वापस से पराठे को हम बेल लेंगे। तो इस पराठे को ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम मोटा ही रखेंगे जिससे पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे और लेयर्स भी अच्छे से खुलेंगी। तो ये लीजिए पराठा बनकर हमारा एक तैयार हो गया। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम कलौंजी डाल देते हैं जिससे पराठा देखने में अच्छा लगेगा, और थोड़ी सी ही इस पर हमने धनिया भी लगा दी है। एक बार बेलन से बेल देते हैं जिससे ये चिपक जाएंगी और निकलेंगी नहीं। हमने यहाँ पर कलौंजी लगाई है, आप सफ़ेद वाला तिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे पराठे हमने बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको हम सेंक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया था। गरम तवे पर पराठे को हम डाल देते हैं। एक साइड से जब ये हल्का सा सिक जाएगा तब इसको हम पलट देंगे और वापस से पराठे पर अच्छे से घी लगा देंगे। तो घी आप कम ज़्यादा जैसा आप खाते हो वैसा लगा लीजिए। तो पूरे पराठे पर हमने घी लगा दिया है। अब धीरे से पलट देते हैं पराठे को और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स,
इन पराठों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपके पास समय कम हो तो आप इन पराठों को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो दूसरी साइड भी हमने घी लगा दिया है। अब किनारों को दबाते हुए अच्छे से पराठे को हम सेंक लेंगे, जिससे पराठा हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा सिक रहा है और बहुत सारी लेयर्स इसमें आ चुकी हैं। तो दोनों साइड से पराठे को उलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक हमने सेंक लिया है। तो इसी तरह से सारे पराठे फटाफट से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरे पराठे में भी बहुत अच्छे से लेयर्स खुली हैं। तो ये पराठा भी बनकर हमारा तैयार हो गया। तो सारे पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे लंच या डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और लंबे समय तक ये सॉफ्ट बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये नए तरीके से बने आलू के पराठों की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इनको हमने दही के साथ सर्व किया है। इन पराठों का स्वाद आलू के पराठों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये देखिए कितनी सारी लेयर्स बनी है और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। तो ये देखिए आपको लेयर्स दिखा रहे हैं। तो आपको आज की हमारी ये आलू के पराठों की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपीज ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।